ओके, तो कल हम लोग क्या पढ़े थे? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के लॉज पढ़े थे, है ना? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट? When light goes from one medium to another medium, it always bends either towards the normal or away from the normal. है ना? When light goes from rare to denser, what happens? It bends towards the normal. When light goes from denser to rarer, what happens? It goes away from the normal. तो ये phenomena लेके हमारे जो daily to day to day life में बहुत सारे applications हैं जो आपको question पूछे जाते हैं, है ना? तो applications of reflection of light, head indications है, जैसे कि आपसे question पूछा जाता है कि swimming pool में अगर मैं क्या कर दूँ, coin गिरा दूँ, क्या होगा, क्या दिखा, क्या दिखता है हमको? क्या होता है बताइए? व्हाट्स योर नेम? देव। स्विमिंग पूल में अगर कॉइन बहुत बार फेंक दे हम तो क्या होता है? कॉइन नीचे जाके बैठ जाता है ना? पर हमको वो ग्राउंड फ्लोर पे दिखता है कि ऊपर दिखाई देता है, ऊपर दिखता है, एक्चुअल प्लेस से जहां पे होना चाहिए वहां पे नहीं दिखता है, वो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? देयर इज अ रीजन, दैट इज रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। तो कैसे होता है वो हम यहाँ पे आज समझेंगे। ये मान लो एक बकेट है, बकेट में मैंने क्या कर दिया, वाटर फिल कर दिया। ये कॉइन वाला भी एग्जाम्पल होता है, और या फिर आप पेन और पेंसिल इन ग्लास इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम पेन रख देते, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक पेन रख दिया, से एक पेन है या पेंसिल रख दी ग्लास में, ठीक है? तो पेंसिल या पेन जो निब है उसका कहाँ पे है? यहाँ पे होना चाहिए ग्राउंड में, पर एक्चुअल में ग्राउंड में नहीं होता है, थोड़ा सा हमको ऊपर दिखाई देता है। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे का रीजन है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है ऐसा? जब भी हम देखते हैं बाहर से, जैसे मान लो ये हमारी आई है, है ना, ये हम देख रहे हैं, आई से देख रहे हैं इस तरफ, तो हमको ये जो पेंसिल है वो यहाँ पे ना दिख के हमको थोड़ा सा इधर टिल्ट हुई दिखाई देती है, यहाँ पे दिखाई देती है, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट के कारण। तो रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में ऐसा क्या होता है कि ऐसा दिखता है? जैसे कि हम क्या हो रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो लाइट क्या हो रही है, पहले लाइट आ रही है, जैसे सनलाइट आ रही है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट इससे टकरा रही है आई से, आई से टकराने के बाद वो लाइट कहाँ जा रही है, वाटर में जा रही है। तो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर टू डेंसर मीडियम में। या फिर सनलाइट जो है किसके ऊपर जा रही है, पेंसिल के ऊपर भी जा रही है सनलाइट, तो पेंसिल के ऊपर जा रही है, एयर रेयर टू किस में जा रही है, पहले वाटर में, तो एयर टू वाटर में जब जाती है रे, तो क्या होता है, बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। जैसे मान लो कोई एक रे लिए हम, अब ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि रेयरर से किस में जा रहा है, डेंसर मीडियम में, तो क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगा, यस और नो? और वैसे ही अगर इससे टकरा के फिर ये रे क्या, और ये इससे टकरा के फिर हमारे आईज में जा रही है, तो आईज में जाने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऐसे बनाते हैं, ये आपकी सनलाइट आई, है ना, ये हुआ, ठीक है, ये बैंड हो गई, ये पेंसिल हो गई, अब इससे टकराने के बाद फिर ये वापस हमारे आई में जा रही है, ये आई में जा रही है, तो क्या ऐसे सीधी सीधी जाएगी? गलत बनाया ना मैं, सीधी सीधी नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से फिर से आपका ये नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। नॉर्मल किसको बोलते हैं? अ परपेंडिकुलर लाइन ऑफ द सरफेस और एनी लाइन, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, 90 डिग्री पे ड्रॉ करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसके नॉर्मल है, ठीक। तो ये सरफेस है वाटर का, वाटर के सरफेस से मैंने क्या किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जहां पे इंसिडेंट हो रही है रे, ये देखो ये सेम मीडियम है तो सेम पाथ में जाएगा, है ना, सेम मीडियम में बेंडिंग होगा क्या, सेम मीडियम में बेंडिंग पॉसिबल है?
सेम मीडियम में रिफ्रैक्शन पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सेम मीडियम में बेंडिंग होगी क्या? नहीं होगी। जब तक बेंडिंग नहीं हो रहा तब तक रिफ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इससे टकराया, रिफ्लेक्शन हुआ, इससे तो रिफ्लेक्शन ही होगा ना, पेंसिल से या पेन से टकराई, रे वापस गई। अब देखो कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है, ये डेंसर है और इधर एयर है, एयर कौन सी मीडियम हो गई, रेयरर मीडियम हो गई। जब डेंसर से रेयरर में जाते हैं, नॉर्मल से क्या हो जाती है, परे हो जाती है, मतलब नॉर्मल से अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। एक्चुअल में जो रे ऐसे जानी चाहिए थी, अब कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो जब मैं इसको पीछे ऐसे पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो आपको देखो ये जो इमेज है वो कहां दिखाई देगा, यहां दिखाई देगा। इसलिए हमको जो पेंसिल या कॉइन जो है थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, कभी भी स्विमिंग पूल में देखोगे तो। क्लियर हुआ, रीजन इज क्लियर, डायग्राम बना पाओगे? आपकी बुक में और अच्छे से दिया है, मैंने रफली बनाया, इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो और थोड़ी सी गलतियां हैं, इसको सुधार लेते हैं हम लोग। आपको क्या वाली समझ में आ रहा है? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड करती है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे दो मीडियम की बात कर रहा हूँ ना, एक एयर है, एक दूसरा क्या है, वाटर है। यहाँ पे मैं कॉइन की बात करता हूँ, ये मैंने कॉइन डाल दी, अब ये वाटर है। इसमें देखो तुमको डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा। ये सन है, सन की लाइट आई ऐसा सीधा सीधा आ रही है। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नॉर्मल बनाऊंगा, नॉर्मल बना के क्या हो जाएगा, टिल्ट होके ऐसा पहुंचेगा, बैंड हो जाएगा, क्योंकि किसमें जा रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम में जा रहा है। फिर इससे टकराया, टकरा के फिर किस तरफ जाएगा, क्योंकि हमारी आई इस तरफ है, मैं यहां से देख रहा हूं, है ना। तो अब ये रे जो है बेसिकली कहां पे जा रही है, अब डेंसर से रेयरर में जा रही है, तो कहां चले जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो कि इधर जानी चाहिए थी, वो अब किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है। तो मेरे को आई को कहां करना पड़ेगा, यहां पे रखना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा, तभी मेरे को दिखेगा। अब अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूं, तो आपका जो इमेज है वो कहां दिख रहा है, जो कॉइन यहां पे है वो कहां पे दिखेगी, यहां पे दिखाई देगी। आपको जो एक्चुअल ग्राउंड में है वो थोड़ा सा आपको ऊपर दिखाई देगी, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि बेंडिंग होने के कारण, लाइट की बेंडिंग होने के कारण जो एक्चुअल इमेज है वो आपको दिखाई नहीं देता। क्लियर हुआ क्या? ये सन है, सन से सनलाइट आ रही है, ये क्या है, क्या है, आइस। अच्छा समझ में आ गया, क्या है ये, आई, आई से देखोगे ना, क्लियर हुआ। तो इसी के आधार से क्या होता है, अगर थोड़ा सा ऊपर दिखाई देता है, ऐसे करके बहुत सारे आपके एग्जांपल्स है, सब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही होता है। आप बना पाओगे सब, ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आपको पढ़ना है लेंस के बारे में। इससे पहले हम मिरर के बारे में पढ़ चुके हैं सारी चीजें। मिरर में क्या होता है, सारा जो लाइट होती है सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर लेंस में जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, क्या होती है, रिफ्रैक्ट होती है। तो लेंस के बारे में पढ़ना है, दो टाइप के लेंस के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। फर्स्ट आपको पढ़ना है कौन सा, कॉन्वेक्स, एंड सेकेंड वन इज कॉन्केव, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। जो मिरर में आप लोग पढ़ के आओ कॉन्केव और कॉन्वेक्स के बारे में, जस्ट अपोजिट केस है आपका यहाँ पे। जैसे वहां पे कॉन्केव मिरर में 6 केसेस होते थे, है ना, 5 केसेस में हमको रियल इमेज बनता था, सिर्फ एक केस में हमको वर्चुअल मिलता था, है ना। सेम कहानी आपको किसमें मिलेगी, यहाँ पे कॉन्वेक्स में मिलेगी, पूरी सेम कहानी यहाँ पे कॉन्वेक्स के लिए। और वहां पे जो कॉन्वेक्स में है वही कहानी यहाँ पे कॉन्केव में। वहां पे कॉन्वेक्स कॉन्केव किसको बोलते थे, जब हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर साइड होता था तो उसको क्या बोलते थे, कॉन्केव मिरर बोलते थे, है ना। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर बाहर की तरफ होता है तो कॉन्वेक्स बोलते थे, है ना। यहाँ पे देखो उल्टा है, कॉन्वेक्स कैसे बनता है। अच्छा, लेंस बनाने के लिए हमको दो स्फेरिकल मिरर चाहिए, तो दो मिरर चाहिए स्फेरिकल, एक ऐसा ले लिया, दूसरा ऐसा ले लिया। तो यहाँ पे देखो ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। और अगर मैं क्या करूं, दोनों को सेपरेट कर दूं,
अगर सेपरेट कर दे और इसको ऐसे मैं ज्वाइन कर दूं, अब ये कौन सा वाला लेंस दिख रहा है? ये आपका कॉन्केव लेंस दिख रहा है, कॉन्केव लेंस। बेसिकली आपको कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखाई देगा? जस्ट लाइक दिस। और कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखाई देगा? कॉन्केव लेंस, जस्ट लाइक दिस। क्लियर हुआ? तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है और कॉन्केव लेंस ऐसा होता है, जस्ट ऑपोजिट है आपका, मिरर से जस्ट ऑपोजिट होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस की कहानी क्या है, इसको हम डाइवर्जेंस कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। मिरर में किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं? मिरर में किसको कन्वर्जिंग बोलते हैं? कॉन्केव मिरर को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। वैसे यहाँ पे लेंस में किसको बोलेंगे? कॉन्वेक्स। में बोला ना, जो जो कहानी कॉन्केव मिरर की है वही वही सेम कहानी आपके यहाँ पे कॉन्वेक्स की है, बस यहाँ पे रिफ्रेक्शन होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, बस ये डिफरेंस है। वैसे ही कॉन्केव लेंस को हम और क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलेंगे डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग क्यों बोलेंगे? कन्वर्ज मतलब क्या होता है? कन्वर्ज करना। ये जो लेंस है वो क्या करेगा? रेस को कन्वर्ज कर देगा। जैसे मान लो मैं अगर यहाँ से रेस यहाँ से पास करवाता हूँ, उसमें जो जो पॉइंट्स होते थे यहाँ पे भी होंगे, है ना? ये अपर्चर, दो अपर्चर को मिला के हम क्या कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस बना रहे। दो कॉन्केव लेंस के अपर्चर को मिला के हम क्या बना रहे? कॉन्केव मिरर के अपर्चर को मिला के क्या बना रहे? कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, ये जो मिड पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे? उसमें मिड पॉइंट को हम क्या बोलते थे? पोल। यहाँ पे क्या बोलेंगे बताइए? ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर, ओ, ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल सेंटर, है ना? और वहां पे हम जो ये ड्रॉ करते थे उसको क्या बोलते थे? मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे भी ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। वहां पे ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते थे, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रख रहे हैं, सेम कहानी चल रही है। यहाँ पे देखो लाइट पास करवाया मैं, ठीक है? कोई भी लाइट आ रही है, टकरा के जा रही है किसमें? लेंस में जा रही है। अब ये लेंस में गई, अब इसका नाम क्या है? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्ज करेगा मतलब वो किस तरफ कन्वर्ज करेगा? इस तरफ। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता है तो कहां से होते हुए जाता है? मिरर में, फोकस से। तो यहाँ भी क्या होता जाएगा? फोकस से होता हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दो फोकस और दो आपको क्या मिलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेगी, मतलब C1 F1 बोल दो एंड F2 C2 बोल, ठीक है? यहाँ पे आप बुक्स में देखोगे तो C1 को हम 2F1 भी बोलते, C2 को क्या बोलेंगे? 2F2। तो यहाँ पे लिखा रहता है F1 2F1 F2 2F2, कई बुक्स में आपको ऐसा मिलेगा। तो घबराना नहीं है, 2F1 या 2F2 जो है वो C1 और C2 को ही बोलते। वहां पे सिर्फ हमको मिलता, एक ही मिलता था सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आपको दो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने इस तरफ भी बनाया था और इस तरफ भी बनाया था, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर और इधर दोनों तरफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? दिस इज योर C1, दिस इज योर C2, इसलिए C1 C2 दो मिलते हैं। क्लियर है? रूल्स वहां भी सेम है। वहां भी क्या होता था? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाता था तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होते हुए जाता था? फोकस से। यहां पे भी यही बोलोगे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पहले पैरेलल इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होते हुए जाएगा? फोकस से होते हुए जाएगा। क्लियर हुआ? पक्का? सेकंड रूल क्या था? अगर कोई भी चीज फोकस से, कोई भी चीज नहीं भाई, रे की बात हो रही है, कोई भी रे कहां से होते हुए जाती है? फोकस से होते हुए इंसिडेंट होती है, तो कहां से वो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मान लो कोई रे ऐसे जा रही है, इसकी ये इंसिडेंट हुई, तो कहां से होते हुए जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी।
थर्ड, व्हाट इज थर्ड रूल? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कोई रे अगर ऐसे ड्रॉप हो रही है सीधा ऑप्टिकल सेंटर पे, तो जितने एंगल से आ रही है उतनी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी कि रिफ्रैक्ट होगी? रिफ्रैक्ट होगी, उतनी एंगल से वो रिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर है ये? नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट। ऑप्टिकल सेंटर से अगर जा रही है तो आगे चली जाएगी, थर्ड वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। मेरे को लग ही रहा था वहां पे कुछ गलत किए। सेम कहानी आपकी इसके लिए भी है। कोई रे अगर प्रिंसिपल लेंस के पैरेलल आ रही है, अब क्योंकि ये कौन सा लेंस है? Which lens is this? Concave, और क्या बोलते हैं इसको? Diverging, मतलब आपका रिफ्रैक्शन आपकी रे इधर चले जाएगी। ठीक है, और सर ये फोकस से होते हुए तो नहीं गई, तो फोकस से भेजेंगे ना उसको वापस लेके आएंगे। This is your focus। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, कौन सा इमेज बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। आप देखो लेंस मिरर के सामने बनता था तो कैसा बनता था? रियल बनता था। अब यहाँ पे लेंस के सामने बनेगा तो वर्चुअल बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा तो रियल बनेगा। ठीक है, लेंस में जस्ट उल्टा है, ये ऐसा जाएगा, ये डाइवर्ज हो गया, पर फोकस से होते हुए क्या क्या? यस, दिस इज योर फोकस। तो फोकस से होते हुए तो जाएगा वो डाइवर्ज होके कहाँ चला जाएगा? पैरेलल चला जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे, अब ऑप्टिकल सेंटर की कहानी तो सेम है, डाइवर्ज हो जाए कन्वर्ज हो वो जाएगा सीधा सीधा है। ठीक है, नोट कर लीजिए ये। तो फिर हम लोग इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस हमको पता है कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्ज करता है रेस को। तो सबसे पहला इसमें हमने क्या ले लिया? केस नंबर वन ले लिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया? इंफ्रारेड पे। लास्ट क्लास में भी इंफ्रारेड में बताया था, मतलब एक एग्जाम्पल दिया था सन का। सन जो है हमसे बहुत दूरी पर है, मतलब वो कहाँ पे? हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो उससे जो रेज आएंगी आते आते हमारे पास कैसे हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। तो इसलिए देखो रेज कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। पैरेलल इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट के बाद रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ चले जाएगी? फोकस से होते हुए जाएंगी, ये रूल कहता है। इसलिए फोकस से होते हुए इंटरसेक्ट हुआ तो यहाँ पे आपको इमेज मिल गया। अब इमेज की हमको चार चीजें बतानी पड़ती है। सबसे पहला कहाँ पे बन रहा है? एट फोकस। सेकेंड कैसा बन रहा है? रियल। क्यों रियल? सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? पीछे बन रहा है। तो ये मिरर है कि लेंस है? मिरर में पीछे बनता था तो कैसा बनता था? कैसे बनता बेटा? वर्चुअल एंड राइट। और सामने बनता था तो रियल बनता था। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, आपको देखो पीछे बन रहा है। आप अगर लेंस के सामने खड़े हो, किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने खड़े हो, जैसे आपका ये क्या है, ये आपका ट्रांसपेरेंट बॉटल है ना, वो तो पता ही नहीं था मेरे को बॉटल है करके, थैंक यू बताने के लिए। ये आपके सामने बॉटल है, एक लेंस की तरह काम कर रहा है, इसमें क्योंकि पानी डाल दिया मैंने, है ना, तो थोड़ा बहुत लेंस की तरह काम कर रहा है। इसके पीछे देखो मैंने फिंगर रखी है अपनी, तो मुझे फिंगर जो दिख रही है कि नहीं दिख रही है? फिंगर्स दिख रही है या मैं दिख रहा हूं तुमको, है ना? ठीक है, तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट का इमेज दिखता है और लेंस के पीछे दिखता है तो रियल दिखेगा, सामने दिखेगा तो वर्चुअल दिखेगा। ऑब्वियस बात है, कोई आदमी अगर लेंस के पीछे खड़ा है तो पीछे ही दिखना चाहिए ना। जैसे मैं इसके पीछे खड़ा हूं तो आपको मैं पीछे दिखाई दूंगा ना, यहां अगर दिखाई दूंगा तो वर्चुअल ही कहलाएगा ना, वो रियल कैसे कहलाएगा? वो तो मैजिक हो जाएगा कि मैं पीछे खड़ा हूं पर मैं आपको सामने दिखाई दे रहा हूं। यस और नो? इसीलिए लेंस के केस में पीछे वाला क्या होता है? रियल, और सामने वाला वर्चुअल। तो पीछे मतलब कैसा बनेगा? रियल। रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। थर्ड क्या बताते हैं? साइज बताते हैं। कैसा बन रहा है? पॉइंट साइज, है ना, जब इंफ्रारेड से आता है तो वो पॉइंट साइज का दिखता है ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ हम बताते हैं मैग्निफिकेशन, है ना, कि कितना मैग्निफाइड हुआ। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है? ये बताता है कि ऑब्जेक्ट आपका कितना मैग्निफाइड हुआ, एलार्ज हुआ तो कितना एलार्ज हुआ, डिमिनिश्ड हुआ तो कितना डिमिनिश्ड हुआ, ये मैग्निफिकेशन बताता है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? एच आई बाय एच ओ, एंड
माइनस वी बाय यू दैट इज फॉर मिरर. यहाँ पे लेंस के लिए वी बाय यू हो जाता है, माइनस साइन हट जाएगा. ठीक है, फॉर लेंस वी बाय यू. तो ये फॉर्मूला भी याद रखना आपको लेंस के लिए, है ना. कल तक की क्लास में आपको मिरर के लिए अच्छे से याद हो गया था, अब लेंस के लिए आपको याद रखना है, पर पॉजिटिव रहेगा. अब बताओ एच आई बढ़ा है कि एच ओ बढ़ा है? एच ओ बढ़ा है यहाँ पे. सो एम इज इक्वल टू व्हाट? एम इज लेस देन वन, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन? लेस देन वन, है ना, क्योंकि फॉर्मूला देखो एच आई बाई एच ओ है. अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो ऑब्वियसली बात है हमको फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो लेस देन वन आती है, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या हो गया? लेस देन वन हो गया. लेस देन वन हुआ, वन नहीं हुआ, लेस देन वन हो गया. समझ में आ गया? कल पढ़े थे हम लोग सेम वैसी कहानी है. ठीक है, सेकेंड केस नंबर टू. केस नंबर टू में हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा. कहां पे लिख दूं मैं? एट ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड 2f1. देखो यहां पे भी देखो ऑब्जेक्ट में कहां पे रख रहा हूं? लेफ्ट साइड रख रहा हूं. अब राइट साइड भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिंगर को मैं ऐसे देखूं या ऐसे देखूं? ऐसे देखूंगा तो मेरे को दिख नहीं पाएगा ना. ऐसे देखूं, ऐसे करूंगा तो मैं इधर से जाना पड़ेगा. तो मैं ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह रख सकता हूं, क्योंकि अब ये मिरर नहीं है, अब क्या है? लेंस है. तो दोनों तरफ से हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. मिरर में क्या था? ये भी इधर रख सकते थे हम, उसके सामने ही रख सकते थे. पीछे रख सकते थे क्या? नहीं रख सकते, तो सिर्फ सामने रख सकते. एकदम केयरफुली बनाना पड़ेगा. F2, 2F. यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिए, ये एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से होते हुए जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस से फोकस से चली जाएगी. ठीक है, उसके बाद दूसरी रे, हाँ अब सही बन, दूसरी रे सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो उसी पाथ के अलोंग आगे बढ़ जाएगी. ये आपका बन गया इमेज ए डैश और बी डैश, अगर ये ए और बी है. ठीक, थोड़ा सा उससे छोटा दिख रहा है अब, तो कैसा बन रहा है? सबसे पहला कहां पे बन रहा है? बिटवीन बिटवीन एफ टू एंड टू एफ टू. सेकेंड कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड साइज बताना है, डिमिनिश्ड बन रहा है. ठीक है, छोटा बन रहा है. यहाँ पे आप हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते थे, पॉइंट साइज दिख रहा है इसलिए पॉइंट साइज बता दिया. आप हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हो, वो भी सही है. फोर्थ मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला एच आई बाई एच ओ लगेगा और इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई यू. याद रखना है आपको एच आई बाई एच ओ. एच ओ बड़ा है कि एच आई? एच ओ इज ग्रेटर देन एच आई. सो एम इज लेस देन वन, ग्रेटर देन वन भी होगा. चलो आगे, नेक्स्ट केस नंबर थ्री. कहां पे लेके आना है आप? एट टू एफ वन, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको बोलते हो. चलो भाई ले आओ, फिर से ध्यान से बनाना है, नहीं तो F2 और 2F2. चलिए यहां पे रख दो, यहां पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां जाएगा? फोकस से होते हो जाएगा. इसमें प्रश्न चले जाना भाई, ये फोकस नहीं है, याद रखना सेंटर ऑफ कर्वेचर है. पता चला F2 देख के लालच में आ गए, लालच में नहीं आना है. दूसरा, अब दूसरा इस सेंटर वाला ले लो, फिर गलत हो गया. देखे एकदम मेजर करके बनाया जाता है तब ये बनता है एग्जैक्ट, नहीं तो नहीं बनता है. जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे मिरर में, तो इमेज कहाँ पे बनता था? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता था, मतलब यहाँ पे बनना चाहिए, यहाँ पे काटना चाहिए. मतलब मैं गलत बना रहा हूँ, यहाँ पे लाइन कुछ ड्रॉ गलत किया इसलिए नहीं बन रहा है. चलिए ये बन गया. ठीक है, ये बी डैश और ये ए डैश. फर्स्ट कहाँ पे बन रहा है? एट टू एफ टू. सेकेंड कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड कैसा?
कैसा बन रहा है, सेम साइज है ना, साइज बताना है हमको। एंड फोर्थ मैग्निफिकेशन, एच आई बाई एच ओ, मैग्निफिकेशन आप कितना हो जाएगा, वन, क्योंकि एच आई इज इक्वल टू एच ओ हो गया, दोनों इक्वल हो गया इस केस में, ठीक है। केस नंबर फोर, F1, F2, sorry, 2F1, F2, 2F2. अब कहां पे रखना है ऑब्जेक्ट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकस के बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के पहला लेग ड्रॉप करवा दो, जो कि कहां से होते हुए जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा, गैप सही लिया हो कि नहीं। उसके बाद दूसरा, दूसरा ले लो यहां से, ठीक है, कहां पे बन रहा है आप, बियॉन्ड 2F, ये A डैश, ये B डैश, फर्स्ट एट, सॉरी बियॉन्ड 2F ना, बियॉन्ड 2F2, सेकेंड रियल एंड थर्ड साइज एनलार्ज्ड एंड M greater than 1, because HI is greater than HO now. Clear? Case number 5. Total 6 cases होते हैं ना? यहाँ पे भी देखना, एक केस आएगा जहाँ पे virtual बनेगा, last वाला, जैसे mirror में बनता था। F1, 2F1, F2, 2F2. ठीक? यहाँ पे एक मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया F1 पे, आप कहाँ पे रखेंगे, फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो कहाँ से जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो उसी पाथ में आगे चला जाएगा। वैसे ये इनफाइनाइट जाता है, हाँ याद है ना मिरर के केस में, तो सब मेजरमेंट का खेल है, अगर एग्जैक्ट बनाओगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपको, हाँ तभी तो मिटा रहा हूं, याद आ गया। ये दोनों कहां जाते हैं, पैरेलल ही जाते हैं, ये ऐसा पैरेलल ही जाता है, तो कहां पे जाके मिलेगा, इनफिनिट पे मिलेगा, तो ऑब्जेक्ट कहां पे बन, इमेज कहां पे बनेगा, एट इंफिनिटी, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कैसा रहेगा, हाईली एनलार्ज्ड, एंड द लास्ट पॉइंट एम की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन वन भी बोल सकते हो, ग्रेटर देन वन को हम क्या बोलते हैं, मच ग्रेटर देन वन, क्योंकि एच आई जो है वो मच ग्रेटर देन एच ओ, बहुत बड़ा दिखेगा आपको ऑब्जेक्ट। चलिए लास्ट केस जो कि इंपॉर्टेंट है आपका, ये सब तो सेम रहता है तो याद रहता है हमको, यही लास्ट वाला केस याद नहीं रहता है। अब देखो इमेज कहां बन रहा है, F2, 2F2, ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, फोकस और पोल के बीच में रखते थे, यहां पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, यहां से इंसिडेंट करवाएं, कहां जाएगा आफ्टर, फोकस से चला जाएगा है ना, और फिर दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ले लो, ऑप्टिकल सेंटर से ले लो तो ऐसा जाएगा, मतलब ये ऐसा जा रहा है कुछ, और ये ऐसा जा रहा है, मतलब ये ऐसा स्प्रेड होता जा रहा है, तो एक दूसरे से टकराएगा कभी इधर, नहीं टकराएगा तो पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप बना दो, ये आपका बन गया। अब देखो कैसा बन रहा है, मिरर के सामने, लेंस के सामने बन रहा है कि नहीं, तो लेंस के सामने बन रहा है, मतलब कैसा बनेगा यहाँ पे, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के साथ हमेशा कैसा बनता है, अपराइट या इरेक्ट या लेटरल इन्वर्जन, तीनों सेम चीज है। सेकेंड केस कहां पे बन रहा है वो देखते हैं, इन फ्रंट ऑफ लेंस लिख सकते हो आप, इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ठीक, कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, तो एनलार्ज बनेगा। और फोर्थ नंबर केस, एम की वैल्यू जो है वो क्या मिलेगी,
ग्रेटर देन वन मिलेगी क्योंकि एच आई इज ग्रेटर देन एच ओ। तो ये कहानियां है, सेम वन लगा पूरा है ना, मिरर का देखो याद अगर होगा तो आपको सेम लगेगा पूरा, बस कहानी उल्टी हो गई है कि यहाँ पे पीछे की तरफ रियल बन रहा है और सामने की तरफ वर्चुअल बन रहा है। कोई डाउट है किसी पॉइंट पे? एग्जैक्ट मेजर करके बनाओगे तो आपका एकदम एग्जैक्ट आता है, ठीक है। ये तो मैं रफली बना रहा था इसीलिए कहीं पे कुछ हो जा रहा था, कहीं पे कुछ हो जा रहा था। ये नोट कर लीजिए, कॉन्केव लेंस के साथ हमको इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। कॉन्केव लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। तो अब जो भी रे आएगी इसमें क्या होगी, रिफ्रैक्ट के बाद डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज हो जाएगी मतलब इस तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, एच इंफिनिटी वाला एक केस ले लिया, इंफिनिटी पे लगा तो पैरेलल ही आएगी, पैरेलल आएगी मतलब वो डाइवर्ज हो जाएगी, एक तीसरा तरफ और एक इस तरफ, है ना। ये वाली रे इस तरफ डाइवर्ज होगी, ये वाली रे इस तरफ डाइवर्ज होगी। ये हो गया रिफ्रैक्शन ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट बैंड होने के कारण। तो अब इसको जब पीछे ड्रॉप करूंगा तो फोकस से होते हुए जाएगा, क्योंकि रूल ही बोलता है कि पैरेलल आएगा तो कहां से जाएगा, फोकस से होते हुए। तो दोनों रे कहां पे टकराई, फोकस पे टकराई। तो आपको कैसा बना इमेज, एट फोकस, सेकंड वर्चुअल, वर्चुअल के साथ कैसे बनता है अपराइट, एंड थर्ड पॉइंट साइज या डिमनिश भी लिख सकते हो, हाईली डिमनिश्ड। एंड फोर्थ मैग्निफिकेशन, बताओ लेस देन वन पक्का। एच ए बड़ा है कि एच ओ बड़ा है, एच ओ बड़ा है तो इसलिए लेस देन वन। सेकंड केस में देख लो, अब देखो इसमें केसेस आप कोई से भी ले लो, इसीलिए सिर्फ दो ही केस पढ़ते हैं हम लोग, एक इन्फिनिट वाला और एक कहीं पे भी रख दो आप, तो आपको हमेशा ऐसे ही बनेगा। देखो एक पैरेलल गई, पैरेलल गई तो आफ्टर रिफ्लेक्स रिफ्रैक्शन कहाँ चली गई, डाइवर्ज होकर उधर चली गई, और ऑप्टिकल सेंटर से गई तो वापस उसी में आएगी ऑप्टिकल सेंटर में। फिर जब रिफ्रैक्टेड रे है यही है, इसको जब वापस देखता हूं मैं तो यहाँ पे देखो टकरा रहा है इससे, इसको जब रिटर्न कर रहा हूं तो फिर से आपको देखो कहाँ पे बन रहा है एट। अब इमेज कहाँ पे बन रहा है, अब यहाँ पे आप लिखोगे नहीं, कहीं पे भी बनेगा क्योंकि आपका इमेज। तो क्या बोलोगे, इन फ्रंट ऑफ, एट द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे लिखोगे आप, एट द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में बन रहा है, ठीक है। सेकंड कैसा बनेगा, वर्चुअल अपराइट, एंड थर्ड साइज डिमिनिश्ड, एंड फोर्थ अगेन m इज इक्वल टू m इज लेस देन 1 बिकॉज hi इज लेस देन hu। तो ये कहानी है हमारी कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्केव लेंस में आप कहीं पे भी बनाओ, आपका इमेज जो है कैसा बनता है, वर्चुअल है, इरेक्ट या अपराइट बनता है, ठीक है। उसके बाद आपने मिरर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला क्या पढ़ा था मिरर फॉर्मूला में, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, है ना। तो आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, वैसे यहाँ पे लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है, वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। अब आप इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते, वहां पे हम वन अपॉन यू पहले लिख देते थे चल जाता था क्योंकि प्लस था, यहाँ पे हम माइनस है तो ये सही लंगर पड़े, इसीलिए मैंने मिरर फॉर्मूला भी ऐसे ही लंगर आया था, वी पहले यू बाद, ताकि आपको फॉर्मूला लंगर में दिक्कत ना हो। मिरर फॉर्मूला वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, लेंस फॉर्मूला वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस आ गया, पूरा सेम, क्लियर। वहां पे फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, रिलेशन r बाय 2, यहां पे भी r बाय 2 होगा। थर्ड मैग्निफिकेशन, अभी बता दिया फॉर्मूला, एच आई बाय एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, मिरर में क्या होता था माइनस वी बाई यू होता था, यहाँ पे क्या होता है वी बाई यू होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब इन फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको आज करवा देता हूं मैं।
बिल्कुल वही बताने वाला हूँ, कुछ कंडीशंस है ना। साइन कन्वेंशन इसमें भी सेम है आपका, लेफ्ट साइड ऑल मेजरमेंट्स नेगेटिव, राइट साइड ऑल मेजरमेंट्स पॉजिटिव, अप साइड ऑल मेजरमेंट्स पॉजिटिव, डाउन साइड ऑल मेजरमेंट्स नेगेटिव, सेम साइन साइन। हाँ, लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, सेम साइन कन्वेंशन आपका मिरर के जैसा ही है, ठीक है। बट इसमें कहानी बस वो है कि U की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेनी है कि नहीं लेनी है, बताइए लेंगे कि नहीं लेंगे, सोचो जब तक मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए। U की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? तो आप ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रखोगे? कहीं भी रख सकते हैं, पर रखोगे कहाँ? फ्रंट में ही रखोगे ना, हमेशा हम ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड ही रखते हैं, हमेशा फ्रंट में रखते हैं। तो इसलिए भी आप यहाँ पे भी आप क्या करो, यू को आप नेगेटिव ले लो। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि आपको ऑब्जेक्ट राइट साइड रखना है, तब तक आप हमेशा ये मान लो कि आप लेफ्ट साइड ही रख रहे हो, इसलिए ऑलवेज यू विल बी नेगेटिव। यू हमेशा यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव लोग, क्योंकि लेफ्ट साइड मेजर करोगे। उसमें मेजरमेंट कहाँ से करते थे? पोल से। पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ मिरर। यहाँ पे मेजरमेंट कहाँ से करेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। जो भी मेजरमेंट करोगे आप ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर इज द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस, क्लियर? ये सब चीज ध्यान देना। तो यू की वैल्यू यहाँ पे भी नेगेटिव होगी। वहां पे कॉन्केव मिरर के लिए एफ की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव लेते थे, है ना। यहाँ पे लेना है कि नहीं लेना है सोचना है आपको। अब लेंस की कहानी आ गई, ये आपका होमवर्क है, आपको सर्च करके आना है, ठीक है, ढूंढ के आना है कि मेरे को फोकल लेंथ कब नेगेटिव लेना है कब पॉजिटिव लेना है। यहाँ पे भी है कहानी, नहीं मिलेगा तो मैं बता ही दूंगा आपको कल, पर आपको सोच के आना है, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल क्या है हमारा, सबसे पहले हमको क्या लिखना रहता है, गिवन। गिवन जब तक नहीं लिखोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चंस को गिवन लिखना, गिवन में भी मार्क्स होते हैं, तो इसलिए गिवन इज नेसेसरी, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस किसको बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस से क्या बोल रहे हैं, 25 सेंटीमीटर अवे, मतलब यू की वैल्यू मैं -25 सेंटीमीटर लिख दूं। और बोल रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब क्या चीज गिवन है, हाइट गिवन है, मतलब एचओ गिवन है। अब एचओ मैं पॉजिटिव लूंगा कि नेगेटिव लूंगा? पॉजिटिव, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख रहे हो ना, और उसकी हाइट आप ऊपर की तरफ मेजर करोगे, इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ दी हुई है आपको 10 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव लेंगे कि पॉजिटिव लेंगे? हाँ, बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप ऊपर मेजर कर रही हो, इस तरफ नहीं मेजर कर रही, आप यहां से ऐसे मेजर करती हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप यहां से ऐसे मेजर करती हो क्या? मान लो ये मेरा टेप है, ठीक है, ये टेप है मेजरमेंट वाला, इसको मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेजर करने के लिए क्या मैं ऐसे मेजर करूंगा कि ऐसे मेजर करूंगा? तो ऊपर मेजर कर रही हो ना, तो पॉजिटिव लेंगे। अब समझी, ऊपर और इस साइड क्या, अगर आप टेप इस तरफ खोल रही हो तो लेफ्ट साइड हुआ, उस तरफ खोल रही हो तो राइट साइड हुआ, ऊपर खोल रही हो तो ऊपर हुआ, नीचे खोल रही हो तो नीचे हुआ, टेप जिस तरफ खोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एफ नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव लेंगे, अभी तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तुम लोग के ऊपर छोड़ रहा हूँ, पॉजिटिव कब लेते हैं नेगेटिव कब लेते हैं, कल मैं पूछूंगा कल की क्लास, ठीक है। चलिए, तो एफ मिल गया, एच ओ मिल गया, फाइंड आउट क्या करना है, ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। चलिए, सबसे पहले एफ दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूँ, मेरा लेंस फॉर्मूला लगा देता हूँ। यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वी मिल जाएगा, 1/v - 1/u, ठीक है। 1/10 इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो v, u की वैल्यू -25, 1/10 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस विल बी प्लस, 1/25 इधर आके क्या हो जाएगा, -1/25 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा,
मतलब 5 to 50 कितना आ गया 50, ये 5 ये 2 is equal to 1 upon V, 5 में से 2 क्या कितना बचा 3, 3 by 50 is equal to 1 upon V, V की वैल्यू कितनी आ गई 50 upon 3 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया, तो रियल इमेज बन रहा है कि वर्चुअल, पॉजिटिव मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड, ये पॉजिटिव आया ना राइट साइड, तो लेंस के राइट साइड रियल बनता है कि वर्चुअल बनता है, रियल बनता है, तो आपका इमेज कैसा बन रहा है रियल। तो यही पूछा गया था आपसे, नेचर पूछा गया था, नेचर पता चल गया रियल, और रियल के साथ हमेशा कैसा बनता है इन्वर्टेड, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है आपसे, पोजीशन पूछा है और साइज पूछा है, पोजीशन कहां पे बन रहा है, देखो 50 बाय 3 करोगे, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, अप्रॉक्स आंसर बताइए, 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 16 पॉइंट समथिंग। चलिए आपका फोकल लेंथ कितना है 10, फोकल लेंथ कितना है, मतलब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाता हूं, ये मेरा F1, मतलब यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, वैसे यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपका इमेज कहां पे बन रहा है, इससे इधर बन रहा है, मतलब 2F2 की बात करें अगर, तो यहां से यहां तक डबल हो जाता है कि नहीं, yes, ये कितना हो जाता है 20 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं पे इमेज बन रहा है, आ रहा है समझ में, yes, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मतलब F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है, तो ये इमेज बन रहा है हमारा, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना था वही भूल गया, हाँ पोजीशन, तो पोजीशन हमको पता चल गया F2 और F2 के बीच में बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दो बिटवीन F2 एंड 2F2। अब आपसे पूछा है साइज, तो साइज बताना है, लार्ज बन रहा है, डिमिनिश बन रहा है, कैसा बन रहा है, हमको अपने लिए कुछ नहीं पता, तो क्या फाइंड आउट करोगे साइज पता करने के लिए, m, m का फॉर्मूला क्या होता है, hi by ho is equal to v by u, क्या क्या गिवन है, hi पता है नहीं पता है, ho पता है पता है, v की वैल्यू पता है पता है, u की वैल्यू पता है, चल तो मतलब मैं इनको लेके सॉल्व कर लेता हूँ, hi की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ho की वैल्यू 5, v की वैल्यू कितनी है 50 by 3 and u की वैल्यू -25, ठीक है, ये 5 1 जा 5 5 जा, ठीक है, 5 1 जा 5 10 जा, तो hi कितना आ गया -10/3 आ गया, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.333 चलता चला जाएगा, 3 बार है ना, 3 बार मतलब 3.3 लिखो सेंटीमीटर। अब ho कितना था 5 सेंटीमीटर और hi कितना है 3.3 सेंटीमीटर, कैसा बन रहा है डिमिनिश्ड बन रहा है, कैसा बन रहा है डिमिनिश्ड, बस खत्म, ऐसे निकाला जाता है सारी चीज, ठीक है, हाँ माइनस लिख दो क्या प्रॉब्लम, क्योंकि नीचे की तरफ मेजर करेंगे तो नेगेटिव है, नेगेटिव को डायरेक्शन बता रहे हैं, नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं ना, इसलिए नेगेटिव, क्लियर है पक्का, कोई डाउट है, तो न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व करना है सेम आपका मिरर के जैसे ही है, बस फॉर्मूला चेंज है, नोट कर लो फटाफट।